Hi everyone, good morning. So we are all set for Lakshadweep. Half an hour we'll reach Lakshadweep. हमें यहाँ से एक आइलैंड दिखाई दे रहा है ऑलरेडी. वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट. सो उससे पहले हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड देन वी विल गो टू लक्षद्वीप. है ये देखिए सामने जो आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ और ये है लक्षद्वीप. यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा जंगल है. तो चलिए फिर चल के देखते हैं कि आखिर लक्षद्वीप है कैसा. लक्षद्वीप, सो लक्षद्वीप जाने के लिए हम लोग इस एक बोट में बैठे हैं सबके सब. और जिया जो है काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि ये जो बोट है ना काफ़ी शेक कर रही है. एंड वो है हमारा कॉर्डेलिया क्रूज. दूर से कितना सुंदर दिखता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर से सुंदर नहीं है. अंदर से भी इक्वली सुंदर है. पानी देखिए, पानी कितना सुंदर है, एकदम ब्लू. और ये मैं और जियाना मज़े से बोट में बैठे हुए और एंजॉय करते हुए. और पीछे देखिए जिया कितनी घबराई हुई है और हमारे साथ इतने सारे ओल्ड एज पीपल हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि हिम्मत वाले हैं. ऑलराइट, सो वी रीच लक्षद्वीप. आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, अमेजिंगली ब्लू वाटर, क्रिस्टल क्लियर. मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि यहाँ की खूबसूरती कितनी अमेजिंग है. अब यहाँ पहुंचकर हमने यहाँ का लोकल व्हीकल लिया है और हम जा रहे हैं इस खूबसूरत से आइलैंड के अंदर. वेलकम टू लक्षद्वीप. Agatti Island is a 7.6 km long island. Agatti has one of the most beautiful lagoons in Lakshadweep. अब हम पहुंच गए हैं यहाँ के ब्यूटीफुल बीच पे, जहाँ पर जाते ही हमारा सबसे पहले वेलकम किया गया मस्त वेलकम ड्रिंक से. सबसे पहले जियाना को मैंने छाया में पेड़ के नीचे खड़ा किया और मैं जाकर लेकर आती हूँ वेलकम ड्रिंक. ये जो ड्रिंक था ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और ऐसा लग रहा था कि मैं प्योर एप्पल पेड़ से तोड़कर उसका जूस पी रही हूँ. सो इट वॉज अमेजिंग. अब बनाना मैं लेके जा रही हूँ जिया के लिए. वहाँ पहुँचकर हमने बहुत ही सुंदर वहाँ का कल्चरल डांस परफॉर्मेंस देखा. इन्हें देख के मेरा मन हो रहा था कि मैं भी इनके साथ करूँ, तो मैं रुक कैसे सकती थी. सो मैंने भी ट्राई कर ही लिया. बहुत कोशिश करने के बाद भी इन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस नहीं कर पाई और फिर मैंने हार मान ली. Thank you.
एंड सो अब मुझे आज जाके समझ में आया है कि हम जब पेंटिंग करते हैं, बचपन में ड्राइंग करते हैं, तो हम जो समुद्र होता है, जो पानी होता है, उसे ब्लू क्यों दिखाते हैं? बिकॉज यहाँ पानी एक्चुअल में ब्लू है. मतलब मैं देखे हैरान थी, इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड एब्सोल्युटली ब्लू. लेट मी शो यू. मतलब इंडिया में ऐसा बीच है, देखकर आप लोग भी विश्वास नहीं करेंगे कि इंडिया में भी इतना प्यारा बीच है जिसका पानी ब्लू है. और इट्स जस्ट अमेजिंग. ये देखिए, वाइट सैंड एंड ब्लू वाटर, इससे सुंदर व्यू और क्या हो सकता है. मैं तो कहती हूँ स्कूबा डाइविंग के लिए हमें बाहर जाना ही नहीं चाहिए. मालदीव्स की जगह हमें लक्षद्वीप ट्राई करना चाहिए. ट्रस्ट मी गाइस, इट्स ब्यूटिफुल. And now we are back to our cruise. और दूर से ये आइलैंड कितना खूबसूरत लग रहा है. What an amazing experience, guys. अब कुछ ही देर में ये बोट्स जो हैं, इन्हें वापस शिप पर चढ़ाएंगे और मैं जा रही हूँ वर्कआउट के लिए. After such an amazing day, let's do some workout. ये देखिए, अब बोट को चढ़ा रहे हैं शिप के ऊपर और आई थिंक हमारे जाने का वक्त ही हो गया है. लक्षद्वीप से निकलकर अब हम सीधा मुंबई जाकर रुकेंगे. अब हम पहुंच गए हैं डिनर के लिए. ये हैप्पी एनिवर्सरी देख के हम समझ ही गए हैं कि यहाँ किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है. लेकिन मुझे डेकोरेशन बहुत प्यारा लगा, तो मुझे लगा क्यों ना मैं कैप्चर कर लूँ. मैं और मेरी डॉल आ चुके हैं डिनर के लिए. तो जियाना यहाँ पर अपनी बेबी खिचड़ी खाने वाली है और मैं और जिया खाने वाले हैं हमारी फेवरेट इंडियन चाइनीज क्यूसीन.
चिली पनीर। It's goldenish in color and it looks beautiful. Oh my god. This is yummy. मुझे लगता है मैं ऐसे वापस जाने वाली हूँ तो मेरा पूरा जो वेट मैंने लूज किया था वो सब मैं गेन करने वाली हूँ वापस से।